जिले के गुरु घासीदास नगर का रहने वाला ये बच्चा अपने कुछ दोस्तों के साथ सूर्यकुंड तालाब में नहाने गया हुआ था। इस दौरान गहराई में जाने से वह डूब गया। आसपास के लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। सूचना मिलने के बाद जामुल पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे के शव को बाहर निकलवाया। पंचनामे के बाद शव को PM के लिए भेज दिया गया है। आज प्रातः सूर्यकुंड तालाब हाउसिंग बोर्ड में एक बालक की डूबने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर पहुँचे और आम जनता के सहयोग से ढूंढकर बालक बाहर निकाल कर तत्काल सुपेला स्थल ले आया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उम्र कायम कर जाँच चुनाव करी गई। प्रथम दृष्टया जानकारी में 3 बच्चे तालाब में गए थे, खेलते हुए काई में पैर फिसलने से गहरे पानी में चले जाने से मृत्यु होना प्रथम दृष्टि पाया गया। सूर्यकुंड तालाब रेहान खान, उम्र 11 वर्ष का है, क्लास 4 में पढ़ता है। बता रहे 3 भाई 1 बहन हैं, बता रहे हैं पंचनामा का भाई जाते हैं।